हेलो चैम्स, इस सेशन में मैं आपको एक मिक्स रेडिकल संख्या को प्योर रेडिकल संख्या में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं चैम्स। इस संख्या में हमें एक मिक्स रेडिकल दिया हुआ है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय √108 index 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 108 power 1/3। ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट स्टेप में हम इस डिजिट को बैलेंस करने जा रहे हैं ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2/3 को एक पावर देने जा रहे हैं 3, और इसका होल पावर हम करने जा रहे हैं 1/3। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 से 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें वापस 2/3 मिल जाएगा। तो इससे 2/3 पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अब हमारे पास आगे है 108 power 1/3। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2/3 multiply by 2/3 multiply by 2/3 ब्रैकेट क्लोज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 108 power 1/3। तो इसको अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8/3, और 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा तो 27 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 multiply by 108 power 1/3। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास एक्सपोनेंट्स का लॉ लग जाता है क्या, जिसमें हम एक्स की पावर ए है और मल्टीप्लाई करते हैं वाइज पावर ए है। तो इसको मैसेज लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाइज होल पावर ए। तो हम एक्सपोनेंट्स का यही लॉ यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो अब हम इसको लिख रहे हैं, 8/27 multiply by 108 whole power 1/3। चैम्स, अब इस ब्रैकेट में हमें डिजिट्स को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 27 से 108 डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 27 1 द एंड 27 4 द 108। तो ये 4 टाइम्स आपस में डिवाइड हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं अब, 8 multiply by 4 power 1/3 बिल्कुल। और अब इसको लिख सकते हैं 32 8 4 32 आ जाता है हमारे पास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 power 1/3 लिख सकते हैं। और इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, 30√32 index 3। तो ये एक प्योर रेडिकल बन जाता है। टाइम्स, ये मैं आपको प्रैक्टिस सम दे रहा हूं, ये है 3/2 multiply by √32/243 index 4। सेम स्टेप्स को फॉलो करके आपने इस सम को सॉल्व करना है, और अपने रिजल्ट्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।